biggest lie that I was told as a law student was that crack plan PG and get PSUs. हाँ, ये सच में झूठ है. मैंने 2021 में क्लैट पीजी अपीयर किया था एंड मेरा ड्रीम वाज टू गेट अ जॉब इन पीएसयूस. मैंने फोर्थ ईयर ऑफ माय लॉ कॉलेज स्टार्ट कर दी थी प्रेपरेशन. अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने मैंने बहुत मन लगा के प्रेपरेशन की थी, बट रियलिटी हिट मी एंड हियर आई एम विथ फोर थिंग्स दैट यू नीड टू डू as a CLAT PG aspirant if you want to crack PSUs. PSUs ka selection rate extremely kam hai. Isliye PSUs ko one and only goal maan ke mat chalo. CLAT 2024 mein pata hai tumhe 6000 ke approximately students ne appear kiya tha. Usme se sirf 0.3% bachon ka PSU mein placement hua. To tum soch sakte ho कि कितनी कम प्रोबेबिलिटी है. इट्स लेसर देन 1%. सेकेंड भाई, बढ़िया क्लैट पीजी क्रैक कर लिया, सिंगल डिजिट रैंक आ गई और अब बैठे हैं घर में मस्त कि अब पीएसयूज मुझे कॉल करेंगे और मुझे बुलाएंगे कि आओ भाई हमारे यहाँ काम पे लग जाओ. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. यू हैव टू फिल फॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट पीएसयूज विच विल बी गिवन टू यू इन डिफरेंट टाइम्स एंड यू हैव टू बी इन अलर्ट मोड 100% ऑफ द टाइम ताकि ये फॉर्म्स आपसे मिस ना हो जाए. सारे पीएसयूज अपनी अपनी वेबसाइट से अपने अपने टाइम पे वेकेंसीज डिक्लेयर करते हैं और ये ज्यादा नहीं होती, 2 से 3 सीट्स ज्यादातर. फॉर एग्जाम्पल ONGC अगर कभी भी अपनी वेकेंसीज डिक्लेयर करता है तो वो अपनी वेबसाइट पे करता है एंड अपने टाइम के हिसाब से करता है, तो आपको हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा जैसा कि मैंने पहले कहा था. अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताते रहे कि कहाँ कहाँ वेकेंसीज आ रही है तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, तुम्हें खुद ही पता चलता रहेगा थ्रू नोटिफिकेशन. अरे भाई, कभी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है? वो इंटरव्यू नहीं होता है, वो आपको भट्टी में रोस्ट कर रहे होते हैं. और यहाँ पे भी वही होने वाला है. यस, यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड 75 रैंक के अंदर वाले सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप मत भूल जाना, दैट इज टू फिल द फॉर्म एंड रजिस्टर. अब इंटरव्यू तक तो पहुंचना है जिसके लिए तुम्हें 75 रैंक लानी है, लेकिन 75 रैंक लाना कोई मजाक का खेल नहीं है दोस्त, बहुत पढ़ना पड़ता है. तो इसीलिए चेक आउट this. Now you can crack CLAT PG with a good rank. उसके बाद भी अगर तुम्हें बहुत सारी problems हैं, समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, तो please 1-to-1 जुड़ो ना. Text me on this WhatsApp or book a session. The ambit of questions asked in these interviews is very vast. जानना चाहते हो क्या क्या पूछते हैं? लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ और बेसिक्स भी पूछते हैं यार. कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, सीपीसी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, एविडेंस लॉ पे भी क्वेश्चंस आते हैं. भाई मुझे मालूम है एविडेंस लॉ अब चेंज हो गया है, लेकिन इस साल जितने भी पेपर्स एंड इंटरव्यूज होंगे उसमें पुराने एविडेंस लॉ के बारे में ही बात की जाएगी. ऑब्वियसली आपको बेसिक नॉलेज नए वाले एविडेंस एक्ट की भी होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू में आप स्टूपिड ना दिखें. बैठ गए पढ़ने, अंधाधुंध पढ़ाई करोगे यहां से, लेकिन क्या कोई भी जॉब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से निकल जाती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ा मिथ है भाई साहब. इंटरव्यू एस करना है ना, तो इंटरव्यू एस करने के लिए तुमको चाहिए एक सीवी, और उस सीवी में ये नहीं लिखा हो सकता कि तुम क्लैट पीजी की 8-8 घंटे तक पढ़ाई करते थे. उस सीवी में जरूरी है कि तुम्हारे पास हो वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड बहुत सारा कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस. अब ये भी तो तुम्हें गेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने इतने साल तो पढ़ाई में वेस्ट कर दिए. अच्छी सीवी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब इतनी इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है, इतनी डाइवर्स फील्ड्स में इंटर्नशिप करनी पड़ती है कि तुम सोच भी नहीं सकते. एनजीओस में इंटर्नशिप, लिटिगेशन इंटर्नशिप, जुडिशियल इंटर्नशिप्स, इवन कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स, और तब जाके तुम्हारी सीवी अच्छी बनती है. अब सोचो इतना सब कुछ तुम 9 महीने में करोगे कैसे. ऑल यू नीड इज अ गुड प्लान. फॉर अ गुड प्लान यू नीड अ गुड मेंटर.
और मेंटोर कहाँ से आएगा, एकदम रातों रात कहीं से पैदा तो हो नहीं जाएगा। तो हमारे पास है तुम्हारे लिए एक्सपर्ट मेंटोर्स। जस्ट बुक अ सेशन फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जल्दी जाओ, किस चीज का वेट कर रहे हो अब? तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है, तुम पीएसयू के पीछे भाग रहे हो, क्लैट पीजी क्रैक करने के पीछे भागो। देखना पीएसयू कैसे झक मार के तुम्हारे पीछे भागेंगे। बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और बेहतर कॉन्वर्जेशन के साथ। बाय।